Hey guys, welcome back to the channel. आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं लवराज 2.1 पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे को पहले से जानते तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को देखने से पहले एक लाइक बटन दबाना बहुत जरूरी है और आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द जो आज की वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग वगैरह तो नहीं होने वाली। मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ और आप इंजॉय करने वाले और आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ने वाली है। तो गाइस पहली बात, पहले हम बात करते हैं कपिल शर्मा जी की। बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है। ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं उनको देख के तो नहीं रखी आपने? हम सब कपिल शर्मा को जानते हैं बिकॉज कपिल शर्मा हैज इन द बिजनेस फॉर सो लॉन्ग, राइट? लेकिन वो कुछ लोगों को नहीं जानते जिनका नाम है अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती, जो वो समझते हैं कि ये लोग बड़े स्टार नहीं है। फैक्ट्स टू बी क्लियर, मिथुन जी ने कम से कम 160 से भी ज्यादा फिल्में करी है और जो हमारे अनुपम खेर जो एवरग्रीन है उन्होंने 200 से ज्यादा मूवी करी है। एंड कपिल शर्मा सोचते हैं वो बड़े स्टार्स नहीं है। सो बेसिकली हुआ कि कश्मीरी फाइल जो मूवीज है विच गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन आल्सो, इतनी पसंद आई लोगों को कश्मीर में। विवेक अग्निहोत्री ने अपना ट्विटर का सहारा लिया, दे रिफ्यूज टू कॉल अस ऑन देयर शो बिकॉज वी डोंट हैव बिग कमर्शियल स्टार्स। वाओ, दैट इज सो क्रेजी, राइट? मुझे लगता है कि जहां हम बात करते हैं कंटेंट इज किंग देन यू गेट टू सी सच न्यूज, बुरा तो लगता ही है, राइट? थोड़ा बहुत तो बुरा लगता ही है, लगना भी चाहिए। तो यू नो हम एक बहुत बड़ा ये सोचते हैं कि कपिल शर्मा का ही शो है, इट्स नॉट अ कपिल शर्मा शो, इट इज इस शो को बनाने में बहुत लोग चाहिए होते हैं। कपिल शर्मा एक एम्प्लॉय है, स्टार एम्प्लॉय है, जिनकी वजह से ये सब कुछ कंपनी बहुत चल रही है, बहुत अच्छी टीआरपी आ रही है। लेकिन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और सारे टीवी शो टीवी प्रोड्यूसर्स सबका एक मिला जुला यू नो एक वो होता है कि हमें किसे बुलाने किसे नहीं बुलाना। कपिल शर्मा को अब सबका मुंह बंद कर देना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए इन लोगों को। और यू नो गुड कंटेंट शुड बी सीन बाय एवरीवन, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन कि वो नहीं बुला रहे कश्मीरी फाइल्स को, उनके स्टार कास्ट को अपने शो पे। तो हम खेर ने भी रिसेंटली अपने बर्थडे पे जो फोटो डाली है ना, दिस फोटो, लुक एट इट, क्या आप ये कर सकते हैं? मैं तो भाई इस उम्र में नहीं कर पा रहा, सांड जैसा फैलता जा रहा हूं, लेकिन उन्हें देख लो। मोटिवेशन इज द मोटिवेशन टू अस। दूसरी चीज है हमारी राखी सावंत, आई लव राखी सावंत। मुझे लगता है राखी सावंत एक ऐसी अद्भुत अदाकारा है, इज सो फुल ऑफ लाइफ गाइस। उसके इंस्टाग्राम पे आप चले जाओ, मैंने इतना रॉ कंटेंट मिलता है। अभी देखो बंदी कह रही है मैं बड़े बड़े स्टार्स के कॉल आते हैं हफ्ते में, नहीं महीने में एक बार फोन तो आता ही है मुझे, टॉम क्रूज का, एंजेलिना जॉली का भी फोन आता है। अगर जिंदगी में डाउन फील कर रहे हो ना, जिंदगी में खुश नहीं हो ना, उसकी वीडियोस देख लो, बी लाइक यार ये बंदी कैसे करती है। राखी, हाँ सर, कपड़ा हटाइए। किसी ने वुमेन्स डे मनाया, पोस्ट डाले एंड ऑल दैट। एक वीडियो और वायरल हुई जहां पे एक्चुअली एक ग्रूम हैविंग डिमांड्स, दहेज मांग रहा है खुलेआम, भाई पकड़ते क्यों नहीं उस बंदे को। लेकिन मुझे सोशल मीडिया की एक चीज बड़ी बुरी लगती है कि ये पूरी वीडियो नहीं है, इसका पूरा इंसिडेंट क्या हुआ इसके बाद उन्होंने, मुझे तो लगता है ऐसे जो लड़की को उठ के ना थप्पड़ मारना चाहिए था, भाई भाग यहाँ। शादी नहीं कर रहे आप? शादी नहीं कर रहे हैं कि मेरा डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है? किस चीज का क्या डिमांड है आपका? मतलब अभी तक हमको कैश नहीं मिला है और सामान सब गछा हुआ था वो भी नहीं मिला है, एक चेन गछा हुआ था वो भी नहीं मिला है, तो किस आधार पर हम शादी करेंगे? तो लड़की को उठ के ना थप्पड़ मारना चाहिए था, भाई भाग यहाँ से, तेरी औकात नहीं है मुझे खरीदने की, तू मुझे क्या अपने घर ले जाएगा? क्या करते हैं आप ऐसे? मेरा सरकारी नौकरी है। इट्स रियली सैड, रशिया में सारे बिग ब्रांड्स बाय बाय बोल के जा रहे हैं, सबको बाय बाय टाटा बाय बाय। अब नया एक और मैकडॉनल्ड्स ने भी अपने टेम्पररी सारे आउटलेट्स बंद कर दिए है रशिया में बिकॉज ऑफ कोर्स। लेट्स टॉक अबाउट द आर विंटेज एक्टर दैट इज ऋषि कपूर जी, जो अब हमारे साथ नहीं है एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली, बट उनकी एक और नई मूवी आ रही है जो अमेजोन पर रिलीज होने वाली, जिसका नाम है शर्मा जी नमकीन। हरीश रावल जी भी है उसमें एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ये वीडियो, जो वीडियो एक्चुअली वीडियो बोलने से ना मैं वीडियो करता हूँ ज्यादा, तो मेरी वीडियो से आदत होगी। 31 मार्च को 2020 अमेजोन प्राइम पे लॉन्च हो रही है मूवी एंड इट इज सच अ गुड थिंग कि मुझे लगता है कि ये जो ओटीटी चीज है ना, इसने भाई सिनेरियो बदल दी। इट विल रिमेन क्लोज टू हार्ट बिकॉज दिस इज द लास्ट आर्ट वर्क दिस गाय हैज डन। सो आई होप जहां भी आप हो और खुश हो, आई होप आप मेरी मम्मी से भी मिले हो बिकॉज मेरी मम्मी यूज टू रियली लाइक यू ब्रदर। जो आलिया भट्ट है वो भी इंटरनेशनल हो गई है, देसी गर्ल दीपिका पादुकोण एंड देन ऑफकोर्स आलिया भट्ट इज देयर, यू नो शी इज डूइंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज विद गलगोट,
क्या मैंने नाम सही लिए है? अगर नहीं लिए तो कमेंट में मारो मेरे को थप्पड़। इट्स ओके, कौन सा हमारे हॉलीवुड वाले, हम कौन सा वो हॉलीवुड, हमारे सारे बॉलीवुड वाले को जानते हो। इट्स ओके, नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। मुझे गलगोटिया जी का पता है क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी मूवी करी थी जिसका नाम था सुपर वुमन। उसकी गंगूबाई जो मूवी है मैंने अभी तक नहीं देखी है, आपने देखी है तो मुझे बताइए कैसी, मैं देखना चाहता हूँ। बट देखूंगा जब ओटीटी पे आ जाएगी, जब देखूंगा। एप्पल वालों की बात करता हूँ, इवेंट हुआ इनका जिसमें उन्होंने लॉन्च किया एस सी करके फोन, जो समथिंग 64 GB इज लाइक अराउंड 44,000 अराउंड कुछ है। एंड लोग फिर ट्विटर पे बड़ा ट्रॉल कर रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि भाई हम एस, ये जो एस सी बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है, 6 की तरह और 8 की तरह दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने पुराने फोन खरीद रहे हैं, हम गरीब। क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स, देखा मैंने कितनी गलत चीज बोली मैंने अभी, स्पोर्ट्स के बारे में बोलने वाला था, लेकिन हमारे जो इंडियंस है, जो हम इंडियंस है ना, स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट ही तो होता है, और कोई गेम थोड़े ना हमारे देश में। आईपीएल, इससे ज्यादा एक्साइटमेंट है ही नहीं मेरे अंदर क्योंकि मैं देखता नहीं क्रिकेट यार। आप क्रिकेट नहीं देखते तो यू आर नॉट मैन इनफ, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। Is it true? IPL स्टार्ट हो रहा है दोबारा से 29 मार्च से और 29 मई तक चलने वाला है, मतलब 2 महीने का एंटरटेनमेंट आपका पक्का है अगर आप देखते हो। मैं तो देखो IPL देखता नहीं, मुझे बस अभी ये याद है फर्स्ट IPL देखा था जिसमें आई थिंक राजस्थान जीता था। डू यू गाइस फॉलो लाइक IPL, तो मुझे बताइए। अच्छा, मुझे लगता है ये IPL ना उस तरीके से होता है, बिग बॉस के सीजन की तरह हो चुका है, जैसे बिग बॉस आता है फिर IPL आता है। भी देखनी है यार मेरे को, बैटमैन देखनी है यार मेरे को, सच में बैटमैन देखनी है। मैंने सुना रॉबर्ट ने बहुत अच्छा काम किया एंड द स्टोरी ऑफ द मूवी इज वेरी गुड, बट 3 घंटे लंबी मूवी है मैंने सुना। कितने लोगों ने बैटमैन देख लिया मुझे बताओ, कितनी अच्छी है। और सेकंड पार्ट की भी यू नो कह रहे सेकंड पार्ट बनने वाला है, उसमें जोकर वापस आने वाला है। देखो जोक ऑफ द ईयर, मैंने पेंटिंग बनाई कल, आई मेड दिस पेंटिंग, दैट्स व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग एवरीवन। अगर आप जिंदगी में थोड़ा सा बैड या थोड़ा सा सैड या लो फील कर रहे हो, डू थिंग्स व्हिच रियली मेक्स यू हैप्पी। लाइक यू नो चाइल्डहुड में मुझे पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था, ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रो इन इट, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट आई डोंट वांट टू प्रैक्टिस दिस, आई वांट टू प्रैक्टिस मेकिंग वीडियोस मोर, सो आई विल बी परफेक्ट इन दैट। दैट्स इट, अगर आपको ऐसी वीडियोस रोज देखनी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो मैं, आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस रोज देखना। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ मोर देन यू डू एनीवन एल्स, बिकॉज यू शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरीवन। ओके बाय, ज्यादा ओवर एक्टिंग होगी ना, कल से कम करूंगा।